हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ में एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन है इन अ टेस्ट एक टेस्ट हुआ है प्लस थ्री मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर अगर आप उस टेस्ट में एक सही आंसर करते हैं तो आपको प्लस थ्री मार्क्स मिलते हैं ओके एंड माइनस टू मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर और अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो माइनस टू मार्क्स आपको मिलते हैं इट मीन्स आपका वन क्वेश्चन गलत होने पर माइनस टू मार्क्स आपके कम हो जाते हैं ओके एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं होती है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के टू पार्ट हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम करके देखते हैं तो ये जो पहले हमें जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि हमें सबसे पहले गिवन है कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन करेक्ट आंसर ओके प्लस थ्री उसके बाद हम लिखते हैं मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन रॉन्ग आंसर ये हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें जो रॉन्ग आंसर है रॉन्ग आंसर में माइनस टू हमारा मार्क्स कट हो जाएगा ओके अब देखिए ये तो हमें गिवन था अब क्वेश्चन में देखिए पहला फर्स्ट पार्ट कहता क्या है कि राधिका स्कोर ट्वेंटी मार्क्स देखिए टोटल मार्क्स आपको गिवन है तो टोटल मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे करेक्ट आंसर के जो मार्क्स होंगे वो प्लस इनकरेक्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो उनका एडिशन जो होगा वो टोटल मार्क्स कहलाएगा तो यहां पर है राधिका स्कोर ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स आए हैं इट मींस नंबर ऑफ करेक्ट करेक्ट आंसर प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना है ट्वेंटी अब यहां पर निकाल के देखते हैं इफ सी हैज गॉट ट्वेल्व करेक्ट आंसर इसकी वैल्यू पहले निकाल के देखते हैं अगर राधिका ने ट्वेल्व क्वेश्चन करेक्ट किए हैं इट मीन्स देखिए करेक्ट करने में जो आंसर अगर आपको मिलता है जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो थ्री मिलते हैं तो वन मार्क्स में थ्री है तो हम निकालेंगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ट्वेल्व करेक्ट आंसर देखिए वन में जब थ्री है तो इजीली यहां पर मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई थ्री तो थर्टी सिक्स मार्क्स ऐसे हैं कि जो आपको करेक्ट आंसर के लिए मिले हुए हैं ओके आप क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इन करेक्टली कितने गलत क्वेश्चन उन्होंने किए हैं और टोटल मार्क्स ट्वेंटी है तो मैंने आपको अभी यहां पर बताया था कि जो टोटल मार्क्स होंगे यहां पर बताया था कि जो टोटल मार्क्स होंगे उन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मार्क्स इन करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स इन इनकरेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि दोनों का एडिशन करेक्ट आंसर का एडिशन एंड इनकरेक्ट जो क्वेश्चन है उनका जो एडिशन है इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स हो जाएगा तो यहां पर वैल्यू अगर मैं पुट करके देखता हूं तो टोटल मार्क्स आपको गिवन है टोटल मार्क्स कितने है? हैं ट्वेंटी है राधिका के मार्क्स इन करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स है थर्टी सिक्स मार्क्स है और यह हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इनकरेक्ट आंसर में कितने हैं सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स हैं एक्स लेके चलते हैं कि इनकरेक्ट जो मार्क्स इनकरेक्ट आंसर हैं वो एक्स हैं हमारे पास तो इस एक्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा कि एक्स और ये थर्टी सिक्स यदा जाएगा तो ये ट्वेंटी माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जो है इनकरेक्ट आंसर में उनको मिले हैं अब यहां पर देखिए अब उन्होंने आपसे मार्क्स नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं ओके okay? देखिए ये भी आपको गिवन है कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो माइनस टू मार्क्स आपके क्या होते हैं कट होते हैं तो माइनस सिक्सटीन अगर मार्क्स हैं तो कितने क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किए होंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इनकरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं माइनस सिक्सटीन और वन मार्क्स में कितने कट हो रहे हैं माइनस टू तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एट तो एट क्वेश्चन ऐसे हैं उस राधिका के जो अटैम्प करे हैं वो इनकरेक्ट हैं आप देख लीजिए अगर एट क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट हैं इट मीन्स वन में हमारा कितना माइनस हो रहा है माइनस टू तो एट में कितने हो जाएंगे माइनस सिक्सटीन okay? ओके ईजी सा क्वेश्चन है इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है और ये आप समझ लीजिए कि जो टोटल मार्क्स होंगे वो कैसे कैलकुलेट निकलेंगे मार्क्स इन जो करेक्ट आंसर मार्क्स इन करेक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं वो प्लस मार्क्स इन इनकरेक्ट आंसर जो इनकरेक्ट जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर है उनका जो सम होगा वो टोटल मार्क्स के इक्वल होगा अब टोटल मार्क्स आपको ट्वेंटी था और करेक्ट आंसर के मार्क्स हमने निकाले थे थर्टी सिक्स और एक्स हमारे पास हमने मान लिया था कि नंबर ऑफ क्या है इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं तो एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तो माइनस सिक्सटीन हमारे पास वैल्यू आई कि इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आंसर है उनमें मार्क्स कितने हैं माइनस सिक्सटीन है तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन हम निकालेंगे इसमें उससे डिवाइड कर देंगे जो हमें वन मार्क्स वन क्वेश्चन इनकरेक्ट करने में जो मार्क्स हमारे हटने थे वो माइनस टू तो ये हमने निकाल दिया कि इनकरेक्ट आंसर है वो कितने हैं एट हैं इसी तरीके से आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट उसे कैसे करते हैं सो so, स्टूडेंट आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है कि मोहनी स्कोर्स माइनस फाइव मार्क्स मोहनी है उसने कितना स्कोर किया माइनस फाइव मार्क्स इन दिस टेस्ट इस टेस्ट में उन्होंने माइनस फाइव मार्क्स लिए दो ही गॉट सेवन करेक्ट आंसर इन्होंने कितने किए हैं सेवन करेक्ट आंसर किए हैं एंड हाउ मनी क्वेश्चन हैज सी अटैम्प्ट इन करेक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन है मार्क्स उसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जो पहले थे तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन करेक्ट आंसर वही हमें क्वेश्चन में गिवन है प्लस थ्री एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन इनकरेक्ट आंसर वह है माइनस टू अब देखिए मार्क्स अवॉर्डेड देखो कितने क्वेश्चन इन्होंने रेड किए हैं सेवन क्वेश्चन उन्होंने राइट किए तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर सेवन करेक्ट आंसर अगर निकालेंगे तो सेवन मल्टीप्लाई थ्री हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी वन तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी ट्वेंटी वन इज द वैल्यू ऑफ कि मार्क्स जो उसने सही जो सेवन क्वेश्चन सही किए उनके लिए उनको इतना मार्क्स मिला अब मैंने आपको पहले ही इस क्वेश्चन के पार्ट में स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहां पर जो टोटल मार्क्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे मार्क्स इन करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स इन इनकरेक्ट आंसर तो यहां पर जो टोटल मार्क्स हमें गिवन है वो माइनस फाइव है माइनस फाइव है मार्क्स इन करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर अभी हमने कैलकुलेट करा है कि ट्वेंटी वन है और ये हमें नहीं यह हमें पता नहीं है तो इसको निकालेंगे हम तो ये हमारे पास हो गया एक्स सपोज सपोज मार्क्स इन इन करेंट आंसर हमारे पास कहें एक्स है तो यहाँ से अगर मैं X की एक्स की वैल्यू निकालू देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव एंड ये ट्वेंटी वन उधर की इसकी वैल्यू उधर जाएगी तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स देखिए ये ये है मार्क्स जो उन्हें कहां मिले हैं इनकरेक्ट आंसर में ये मार्क्स हैं नंबर ऑफ मार्क्स हमारे निकालना है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कैसे हो जाएगा देखिए अब देखिए ये टोटल है इतना और वन मार्क्स के लिए कितना हो रहा है टू तो ट्वेंटी सिक्स कब आया होगा आप सीधा इजीली कहेंगे माइनस ट्वेंटी सिक्स में जो मार्क्स आपके इनकरेक्ट हैं जो अवॉर्ड किए गए हैं उनको माइनस कर लीजिए उनको डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा थर्टीन तो इस क्वेश्चन में जो मोहिनी है उन्होंने थर्टीन क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो इनकरेक्ट हैं आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए थर्टीन क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट होंगे और वन क्वेश्चन के लिए जब जो रॉन्ग आंसर के लिए हमको माइनस टू मार्क्स मिल रहे हैं तो थर्टीन मल्टीप्लाई माइनस टू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सिक्स आंसर जो मार्क्स होंगे वो हमारे डिटेक्ट होंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कंप्लीट कर लिया है तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके Thanks for watching.